डेली साइज डोज के सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले उसमें से डोज नंबर 7 के ऊपर, जहां मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिखाने वाला हूं। बाकी का जो डोज है वो आपको प्लेलिस्ट जिसका नाम है डेली साइंस डोज फिजिक्स वहीं पे मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर हम जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत केतली में पानी गर्म होती है तो ये किस विधि से होती है आपको बताना है। तो देखिए पानी हुआ यानी कि आपका लिक्विड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया या फिर आपका गैस हो गया ना, ये दोनों आपका किस विधि से गर्म होती है, तो ये गर्म होती है आपका संवहन विधि से, ठीक है। तो ये संवहन विधि होता है क्या है, जो आपका संवहन विधि है ये होता है क्या है, तो याद रखिए संवहन विधि बेसिकली होता है क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी केतली में पानी को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो ये जो पानी है ना, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होगा, गर्म होते ही दूर भागना स्टार्ट करेगा, दूर भागना स्टार्ट करेगा, साथ ही साथ उसमें ऊर्जा को भी वो लेकर जाएगा जिससे पूरा का पूरा पानी को वो गर्म कर देगा। तो इस विधि को बोलते हैं संवहन विधि। तो इसी विधि से जो पानी है केतली में रखा हुआ पानी वो गर्म होती है। तो देखिए किस ऑप्शन में, ये रहा संवहन के कारण, चलिए टिक करके देखते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचरण माध्यम से क्या होती है, आती है। तो देखिए जो संचार माध्यम होता है उस माध्यम को हम लोग बोलेंगे क्या, विकिरण। विकिरण के फलस्वरूप ही मान लेते कि ये सूरज है, ठीक है, सूरज से जो धूप है, ठीक है, जो गर्मी है वो पृथ्वी तक आने में मतलब जिस संचार माध्यम का यूज करता है उसको बोलते हैं हम लोग विकिरण। ये रहा ऑप्शन, देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आखिर ये विकिरण होता है क्या है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए विकिरण बेसिकली बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसमें किसी पदार्थ का जो कोई जो पदार्थ होता है, मान लेते कि एक पदार्थ है यहाँ पे, इसके अंदर जो आवेशित कण होगा, ठीक है, वो कण में जो उसमें गति होगा, ये जो कण है इसमें जो उसमें गति होगा, ये उसमें गति जब क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा, ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, विकिरण। उसी को क्या बोलेंगे, विकिरण। तो आई होप आपको विकिरण समझ में आया होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विकिरण। विकिरण आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसी माध्यम से जो सूर्य है उसकी जो ऊष्मा है पृथ्वी तक पहुंचती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम के कण गति नहीं करती, ठीक है, वो कौन सी है। मतलब ऊष्मा एक हस्तांतरण, जो ऊष्मा हस्तांतरण, ऊष्मा का जो हस्तांतरण है, ठीक है, उसकी विभिन्न विधि है जैसे संवहन है आपका, चलन है, विकिरण है, ठीक है, तो इसमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा, जिसमें जो कण है माध्यम का जो कण है वो गति नहीं करता। तो मैंने अभी आपको बताया कि विकिरण जो है, ये रहा विकिरण जो है उसमें क्या होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होती है वो ऊष्मा हस्तांतरण करती है, तो उसमें कोई कण गति किया नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण। चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन के तरह ही, बोल रहा है कि ऊष्मा संचरण की वो विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते, तो मैंने अभी अभी आपको बताया विकिरण, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण। तो चलिए विकिरण को टिक करते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। देखिए सर्वोत्तम चालक अगर बोले तो आपका चांदी होगा, लेकिन ऑप्शन अगर यहाँ पर देखें, चलिए ऑप्शन को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आपको क्या चांदी मिल नहीं रहा, तो चांदी अगर ना मिले तो आप किसको टिक करेंगे, पारे को, ठीक है, पारा जो है वो जो होगा वो ऊष्मा का अच्छा चालक होगा, ठीक है, अगर चांदी हो तो आपको चांदी को टिक करना पड़ेगा। चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सर्वोत्तम चालक होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है कि चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता से क्या होगी, कि अपेक्षा क्या होगी, तो अधिक होगी, मैंने आपको बताया सबसे अच्छा तो क्या होगा, चांदी होगा, तो चांदी क्या होगा, अधिक होती है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, टिक कीजिए इसको, तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बोलोमीटर, ठीक है, बोलोमीटर माप की एक युक्ति है, मतलब बोलोमीटर से आप क्या मापेंगे, बोलोमीटर से क्या मापेंगे, तो देखिए बोलोमीटर से आप मापेंगे उसमें क्या, देखिए ऑप्शन यहाँ पे, ऑप्शन से क्या होता है बहुत बार क्वेश्चन जो है काफी इजी हो जाता है आंसर करना। तो बोलोमीटर से क्या मापेंगे, दाब मापेंगे, बिल्कुल नहीं, दाब मापने के लिए पता है क्या इंस्ट्रूमेंट होता है, चलिए ऑप्शन बताइए क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दाब मापने के लिए, तो ये आपका होगा नहीं। दूसरा पौधे की वृद्धि, ये भी नहीं होगा, क्रिस्कोग्राफ है ना, पौधे की वृद्धि मापने के लिए किसने इन्वेंट किया था, चलिए बताइए ऑप्शन में। उसके बाद उसमें विकिरण, तो ये हो सकता है,
वायु की गति, आपको पता है वायु की गति होगा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्मीय गति। बताइए वायु की गति भी किससे मापा जाता है, किस इंस्ट्रूमेंट से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्मीय विकिरण। चलिए इसको टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि ऑप्शन ही जो है वो इजी कर देता है क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे, बोले कि ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि जो लोहा होता है वो अच्छा चालक होता है उष्मा का, जबकि विद्युत खराब होता है, जिसके वजह से क्या होता है लोहा आपको ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में, देखिए पहला ऑप्शन क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है कि लोहे का जो क्या बोल रहा है, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ऐसा नहीं, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, बिल्कुल ये वाला आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। मैंने आपको तो बोला कि उष्मा का जो अच्छा चालक क्या हो जाएगा, लोहा, जिसके वजह से, तो बस ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि कड़े जाड़े में, मतलब बहुत ज़्यादा जाड़े में झील की सतह क्या होती है, हिमशीतित हो जाती है, मतलब जम जाती है, किंतु उसके जल में जल का द्रव्य अपेक्षा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, किंतु उसके तल में जल का द्रव्य अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? बोल रहा है कि ये मान लेते हैं कि आपका क्या है, झील है, ऊपर का जो है वो आपको बर्फ जमा हुआ दिखेगा लगभग सा, लेकिन नीचे जो है वो जमता नहीं है, नीचे का पोर्शन जमता नहीं है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर का जो बर्फ बन जाने की वजह से बर्फ जो होता है वो कुछ चालक होता है उष्मा का, जिसकी वजह से नीचे के पानी को जमने देता नहीं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, चलिए ऑप्शन को देखिए, ये देखिए पहले नंबर ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या बोल रहे हैं, जो बर्फ है उष्मा का कुचालक होता है, मैंने आपको बताया, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे ऑप्शन की जरूरत है ही नहीं। तो चलिए टिक करते हैं इसको, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि एक टेबल पंखे को बंद करने में कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी? तो देखिए अगर टेबल फैन को, ठीक है, बंद कमरे में अगर चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रूम जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, अच्छा देखिए पहला नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला देखिए, पहला नंबर गर्म होगी, मैंने आपको बताया, ठीक है, बंद कमरे में अगर आप पंखे को चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो पूरा कमरा है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। तो इस ढंग का अगर आपको डोज पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हर रोज आपको मिलती रहे इस ढंग का डोज, और आपका प्रिपरेशन भी अच्छे ढंग से हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।